देख सकते हैं दोस्तों, मैं अभी देवघर रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। अभी ट्रेन थोड़ी देर में स्टेशन इंटर कर जाएगा। देख सकते हैं कितना यह घुमावदार है मोड़। और वो देखिए, इधर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, देवघर स्टेशन है, वहाँ हम जाकर आपको दिखाते हैं। वीडियो में बने रहिएगा। देख सकते हैं यहाँ ट्रेन का कितना मोड़ है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैं अभी देवघर रेलवे स्टेशन पर थोड़ी देर में उतरने वाला हूं और वहां की नज़ारा आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा कि सावन का माह में स्टेशन परिसर में कितना भीड़ होता है। और आपको मैं बता दूं कि अभी सावन का महीना चल रहा है और बहुत दूर दूर से आदमी लोग देवघर भोलेनाथ दरबार आते हैं अपनी मनोकामना लेकर, और मनोकामना पूरी भी होती है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा, मैं स्टेशन पर उतर के वहाँ का नज़ारा आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा। देख सकते हैं यही है देवघर रेलवे जंक्शन। आप देख सकते हैं हम वहाँ अभी उतर के आपको प्लेटफॉर्म स्टेशन का व्यू कराएंगे। ट्रेन स्टेशन के अंदर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से कांवरिया लोग थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है मुझे, आपको भी वहाँ उतर के दिखाऊंगा, बने रहिएगा वीडियो में। वेलकम टू देवघर रेलवे स्टेशन। चलिए बने रहिए वीडियो में, आपको आगे दिखाते हैं। देख सकते हैं हम सीढ़ी के माध्यम से हम एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। देखिए यहाँ कांवरिया लोग का कितना भीड़ भाड़ है। और पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मगर पूरा हम देवघर रेलवे स्टेशन का टूर कराएंगे। हम अभी देवघर रेलवे स्टेशन से हम एग्जिट होने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। ये कोई ट्रेन आ चुकी है, देख सकते हैं। ये है देवघर का रेलवे टिकट काउंटर है, देख सकते हैं। हम टिकट ले लिए हैं, अब जा रहे हैं रेल परिसर के स्टेशन के अंदर, हम आपको दिखाते हैं। और आपके बता दें कि ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये अंडरग्राउंड जाने के लिए रास्ता है, आप देख सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं अंदर जाने के लिए, दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। ये
बस कुछ खास नहीं है, बस इतना ही है। हम आए थे देवघर रेलवे स्टेशन, तो सोचा आप लोग के साथ कुछ शेयर कर दें। अब देख बस यही थोड़ा सा था। मिलते हैं अगले जल्द ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आएंगे, विदा लेते हैं, बाय।